ओम शांति। 7 अगस्त 2024 की पापा कहते मीठे बच्चे, याद की यात्रा से ही तुम्हारी कमाई जमा होती है। तुम घाटे से फायदे में आते हो, विश्व के मालिक बनते हो। याद की यात्रा से घाटे से फायदे में आते हो, मालिक बनते। नानो प्यार से पापा को याद करना चाहिए। प्रश्न है, सत्य का संग तारे कुसंग बोरे, इसका अर्थ क्या है? जब तुम बच्चों को सत्य का संग अर्थात बाप का संग मिलता है, तब चढ़ती कला हो जाती। रावण का संग कुसंग है, उसके संग से तुम नीचे गिरते हो, अर्थात रावण तुम्हें डुबोता है, पाप पार ले जाता है। बाप की भी कमाल है, सेकंड में ऐसा संग देते जिससे तुम सदगति हो जाती, इसलिए उसे जादूगर भी कहा जाता है। ओम शांति। बच्चे याद में बैठे थे, इसको कहा जाता है याद की यात्रा। बाप कहते हैं योग अक्षर काम में जाओ, बाप को याद करो। तो है आत्माओं का बाप, परम पिता, पतित पावन। उस पतित पावन को याद कर। बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को याद करो। कहते हैं ना, बाप मुए मर गई, देह सहित संबंध आदि देखने में आते, याद नहीं करो। एक बाप को ही याद करो तो तुम पाप जल जाएंगे। हम जन्म जन्मांतर की पाप आत्मा, ये है ही पाप आत्माओं की। सत्युग है पुण्य आत्माओं की। अब पाप सब कट कर पुण्य कैसे जमा हो? पाप की याद से ही जमा होंगे। आत्मा में मन बुद्धि, तो आत्मा को बुद्धि से याद करना है। पाप कहते हैं तुम्हारे जो भी मित्र संबंध, उन सब को भूलो, सब एक दो दुख देते हैं। एक पाप करते हैं जो काम कटारी चलाते, दूसरा पाप फिर क्या करते हैं? तो बाप सर्व का सदगति दाता है, बच्चों को बेहद का सुख देते हैं, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। से ही सर्वव्यापी कह देते। ये पाठशाला है, तुम आए हो ये पढ़ने। लक्ष्मी नारायण है तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट, और कोई ऐसे कह न सके। जानते हो अभी हमको पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है, हम ही विश्व के मालिक। 5000 वर्ष हुए, देवी देवता विश्व के मालिक है ना, इतना ऊंच पद है, जरूर ये बाप ही बनाएंगे। बाप को ही परमात्मा कहते, उनका असल नाम है शिव। फिर बहुत नाम रख दिए हैं, जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ का मंदिर है, अर्थात कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने वाला है। नहीं तो उनका असली नाम एक ही शिव है, में प्रवेश करते हैं, नाम शिव ही है। वो इन ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ये तो देहधारी है, तुमको याद करना है देही। आत्मा पति बनी है, उनको पावन बनाना है। ये भी है महान आत्मा, पाप आत्मा, महान परमात्मा नहीं कहते। परमात्मा या ईश्वर भी कह न सके, कहते भी महात्मा, पवित्र आत्मा। आत्मा के साथ में वो शब्द परमात्मा के आगे नहीं। तो सन्यासी सन्यास करते हैं, ये पवित्र आत्मा है। आपने समझाया है वह भी सभी पुनर्जन्म लेते हैं, देहधारियों को पुनर्जन्म जरूर लेना पड़ता है। विकार से जन्म ले, फिर जब बड़े बालिक बन जाते हैं तो सन्यास कर लेते। देवताएं तो ऐसे नहीं करते, तो एवर पवित्र है। पाप कि तुमको आसुरी से दैवी बनाते, दैवी गुण धारण करने से दैवी संप्रदाय बनेंगे। दैवी संप्रदाय रहते हैं सत्युग में, आसुरी संप्रदाय रहते हैं कलयुग में।
संगम युग, अब तुमको बाप मिला है। कहते हैं अब तुमको फिर दैवी संप्रदाय बनना है जरूर। तुम यहाँ आए ही हो दैवी संप्रदाय बनने। दैवी संप्रदाय वालों को अतः सुख है। इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक देवताएं, इस दुनिया को कहा जाता है हिंसक और देवताई दुनिया या देवताएं हैं अहिंसक। बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों बाप को याद करो। तुम्हारे जो गुरु लोग हैं अभी सब देहधारी है, अभी आत्माओं को परमात्मा बाप याद करना है। सुख तब मिलेगा जब तुम पुण्य आत्मा बनेंगे। 84 जन्मों के बाद ही तुम पाप आत्मा बन जाते हो, ही तुम पुण्य जमा करते हो, योग बल से पापों को खत्म करते हो। इस याद की यात्रा से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। विश्व के मालिक थे तो सही ना, तो फिर कहाँ गए? ये भी बाप ही बताते। तुमने 84 जन्म लिए, सूर्यवंशी चंद्रवंशी बने। कहते भी है तुम्हारी का फल भगवान देते हैं। भगवान कोई देहधारी को नहीं कहा जाता है, वह है ही निराकार शिव। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, परंतु कहते मैं तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता, मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता है, मुझे अपना शरीर नहीं है। अगर होता तो उनका नाम होता, ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है। न्यास किया तब नाम ब्रह्मा, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं, अर्थात शिव बाबा के। निराकार बाप के सब बच्चे निराकार है। आत्माएं यहाँ आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पति तो पावन बनाने। मैं शरीर का अर्थात ब्रह्म रथ का लोन लेता हूँ। शिव भगवान उवाच है ना, श्री कृष्ण भगवान नहीं, श्री कृष्ण को भगवान नहीं कहते। जन्म भी है तो मृत्यु भी है, भगवान तो एक ही है। जन्म है जिसकी क्यों न जन्म। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। पहला नंबर देवता है राधे कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु ये कोई जानते नहीं। राधे कृष्ण का किसको भी पता नहीं, वो फिर कहाँ चले जाते हैं? राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दोनों अलग अलग महाराजाओं के बच्चे हैं। वहां अपवित्रता का नाम नहीं है कि पांच विकार रूपी रावण ही नहीं है, ही राम राज्य। अब बाप आत्मा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। घाटा पड़ा है फिर जमा करना है। भगवान को व्यापारी भी कहा जाता है, कोई विरला उनसे व्यापार करे। जादूगर भी उनको कहते, कमाल करते, जो सारी दुनिया की सदगति करते हैं, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। जादू का खेल मनुष्य मनुष्य को दे नहीं सकते। 63 जन्म भक्ति करते आए हो, इस भक्ति से कोई ने सदगति पाया है क्या? कोई है जो सदगति दे? नहीं सकता, डबल भगवान उवाच है, एक भी वापस जा नहीं सकता। से बेहद का बाप ही आकर सबको वापस ले जाते हैं। कलयुग में अनेक राजाएं हैं, वहां तुम थोड़े राज्य करते हो सत्युग में, बाकी सब आत्माएं मुक्ति में चली जाती है। तुम जाते हो जीवन मुक्ति में माया मुक्ति, हम पहले परम धाम आएंगे फिर सत्युग में आएंगे। ये चक्र फिरता रहता है,
कंटिन्यू टिक 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 चलते रहती है चक्र। अभी तुम आत्माओं को दर्शन हुआ है इस सृष्टि चक्र का, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का। तुम ही इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हो, देवताओं की राजधानी स्थापन हो गई, फिर तुमको ज्ञान की दरकार नहीं रही। तुमको भगवान ने फल दिया आधा कल्प सुख का, फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। सत्युग में हो तो भी एक दिन जो बीता सीढ़ी उतरनी होती। सोलह कला संपूर्ण बनते हो, फिर सीढ़ी उतरते ही रहते हो। सेकेंड बाय सेकेंड टिक टिक होती है, करते ही जाते। समय बीतते बीतते इस जगह आकर पहुंचे हो। वहां भी तो ऐसे ही घटना बीत जाएंगी। हम सीढ़ी चढ़ते हैं एकदम फट से, फिर सीढ़ी उतरनी है जो सर। बाप कहते हैं मैं सर्व की सदगति करने वाला हूं। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर न सके कि वह विकार से पैदा होते हैं पतित। वास्तव में श्री कृष्ण को सच्चा महात्मा कह सकते। ये महात्मा लोग तो फिर भी विकार से जन्म ले फिर संन्यास कर। देवताएं तो सदैव पवित्र है, उनमें कोई विकार होता नहीं। उनको कहा ही जाता है निर्विकारी दुनिया, इनको कहा जाता है विकारी दुनिया। नो प्योरिटी, चलन कितनी खराब है। देवताओं की चलन तो बड़ी अच्छी होती, सब उनको नमस्ते करते। कैरेक्टर सुनो अच्छे हैं तब तो अपवित्र मनुष्य उन पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। तो लड़ना झगड़ना क्या क्या लगा पड़ा है, बड़ा हंगामा है। अभी तो रहने की भी जगह नहीं। चाहते हैं मनुष्य कम हो, परंतु ये तो बाप का ही काम है। सत्युग बहुत तो थोड़े मनुष्य होते हैं, इतने सब शरीरों की होलिका हो जाती, बाकी सब आत्माएं चली जाती है। स्वीट सजाएं तो नंबर वार भोगते हैं सब। जो पुरुष पूरा पुरुषार्थ कर विजय माला का दाना बनते हैं, वह सजाओं से छूट जाते हैं। माला एक की तो नहीं होती, जिसने उन्होंने ऐसा बनाया वह है। फिर है मेरु, प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो जोड़ी की माला है, कल की माला नहीं होती, न्यासियों की माला होती नहीं, वह तो है निवृत्ति मार्ग वाले। प्रवृत्ति मार्ग वालों को ज्ञान दे न सके, पवित्र बनने के लिए उनका है पसंद होगी। यह राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए बाप तो राजयोग सिखलाते हैं। बाप हर 5,000 वर्ष बाद आते, आधा कल तुम राजाई कर सुख में, फिर रावण राज्य में आहिस्ते आहिस्ते तुम दुखी हो जाते। इसको कहा जाता है खेल। तुम पांडवों को जीत पहनाते हैं, अब तो पंडे घर जाने की यात्रा कराते हो। यात्राएं तुम जन्म जन्मांतर करते आए हैं, अब तुम्हारी यात्रा है घर जाने की। आप आकर सबको जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तुम जीवन मुक्ति में, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती। अभी है कलयुग का अंत, आफत बहुत आनी ही है। फिर उस समय तुम याद की यात्रा में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि कामा बहुत हो जाएगा। पाप कहते हैं अब याद की यात्रा को बढ़ाते जाओ तो पाप भस्म हो जाए, और फिर जमा भी करो तो प्रधान। पाप कहते हैं मैं हर कल्प के पुरुषोत्तम संग पर आता हूँ। ये तो बहुत छोटा सा ब्राह्मणों का युग है। ब्राह्मणों की निशानी छोटी, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह चक्र फिरता ही रहता है।
ब्राह्मणों का बहुत छोटा कुल होता है। इस छोटे से युग में बाप आकर तुम्हें पढ़ाते हैं। पढ़ रहे ना सभी दिल लगाकर? नहीं, हाँ जी बाबा। बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, फॉलोअर्स भी हो, बाप टीचर सदगुरु दोनों का, तीनों का रिलेशन है ना बाबा से। बाप के रूप में हुए बच्चे, टीचर्स के रूप में हुए स्टूडेंट, और सदगुरु के रूप में फॉलोअर एक के ही है। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं जो बाप भी हो, शिक्षा देने वाला टीचर भी हो, और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हो, साथ में भी ले जाए। ऐसा कोई मनुष्य बोनस सिलेंडर लगी। ये बातें अभी तुम समझते हो। सतयुग में भी पहले पहले बहुत छोटा झाड़ होता, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप को कहा जाता है सर्व सदगति दाता। बाप को बुलाते हैं, हे पति पावन बाबा आओ। दूसरी तरफ फिर कहते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली पत्थर पर सब में है, बेहद के बाप का कार करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते उनको डिफेम करते हैं। ये कहा जाता है रावण का संग दोष। सत का संग तारे कुसंग डुबोए। रावण राज्य फिरने लग पड़ते, बाप आकर के तुम्हारी चढ़ती कला करते। बाप आकर मनुष्य देवता बनाते हैं तो सर्व का भला हो जाता है। सब यहाँ बाकी जो भी रहे हुए हैं वो आते रहते हैं। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी, तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबरवार पास होते जाएंगे। आ जाता है रूहानी कॉलेज। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाने आते। रावण राज्य आया तो शरीर छोड़ पवित्र राजा बने और पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकने लगे। आत्मा ही पति अपावन बन, आत्मा पति तो शरीर भी पतित मिलता है। सच्चे सोने में खाद पड़ती है तो खाद का जेवर हो जाता है। अब आत्मा से खाद निकले कैसे? अग्नि चाहिए से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। आत्मा में चांदी तांबा लोहा पड़ गया है, यह है खाद। आत्मा सच्चा सोना है, अब झूठी बन गई है। वह खाद निकले कैसे? यह है योग अग्नि। ज्ञान चिता पर बैठे हो, आगे थे काम चिता पर। बाप ज्ञान चिता पर बिठा, सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई ज्ञान चिता पर बिठाने। मनुष्य भक्ति मार्ग में ही पूजा करते रहे, लेकिन किसको जानते नहीं। अभी सब जान गए हो, सब देवता बनते हो तो फिर पूजा की बात ही खत्म हो जाए। जब रावण राज्य शुरू होता है तब भक्ति शुरू। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत बच्चों, बाप दादा का याद प्यार और मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। पहले सजाओं से मुक्त होने के लिए विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना है। रूहानी पंडा बन सबको शांति धाम घर की यात्रा करानी। दूसरी पॉइंट, याद की यात्रा को बढ़ाते बढ़ाते सब पापों से मुक्त हो जाना है। भोग अग्नि से आत्मा को सच्चा सोना बनाना है, सतो प्रधान बनना है। आज का मीठा वरदान, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आज का स्वमान, मैं तीव्र पुरुषार्थी माँ हूँ। इस तरह से हम देखते हैं
आज के वरदान के बेसिस पर तो तीव्र पुरुषार्थी आत्मा आपको कचेरी ग्रुप में चार्ट भेजता है, फिर अभ्यास से हम करें आज का मान होता है मैं निरंतर अंसा सेवाधारी आत्मा हूँ। चार्ट के हिसाब से हम ये मनसा सेवाधारी हूँ, इसी अभ्यास को ले लिया आज निरंतर तीव्र पुरुषार्थ में इसकी आवश्यकता है मनसा सेवा। मनसा सेवा कभी कभी नहीं, निरंतर चल मैं निरंतर मनसा सेवाधारी हूँ। स्लोगन है हाथ में लौ उठा का अंश है आज का व्यक्ति। अगर सदा यह स्मृति रहे कि स्तन का किसी भी समय विनाश हो सकता है तो ये विनाश काल स्मृति में से प्रीत बुद्धि स्वतः हो ही जाएंगे। जैसे विनाश काल आता है तो अज्ञानी भी बाप को याद करने का प्रयत्न जरूर करते हैं, परिचय के बिना प्रीत नहीं पाती। अगर सदा ये स्मृति रखो कि ये अंतिम घड़ी, ये याद रहने से और याद नहीं था। अच्छा कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, चित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस, शांति।